अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एनी सुनील सरफराज है। मेरे बेटे का नाम मनाइन सुनील सरफराज है। जब ये पैदा हुआ था तो हमें तभी पता चला था जब ये एक दिन का था कि इसके दिल में सुराख है और इसका ऑपरेशन जो है ना वो लाजमी होगा। जब ये पैदा हुआ था ना तो तब काफ़ी ऑक्सीजन का मसला था, तो काफ़ी दिन ये 5 दिन ICU में रहा। तो हमें पता चला सारे टेस्ट करवाने पर कि ये ASG है और इसके दिल में होल है, जो कि हमें उम्र के साथ जो है वो इसको बंद करवाना पड़ेगा और इसका ऑपरेट होगा। अभी ये 4 साल और 5 माह है। मेरे हस्बैंड बस ड्राइवर हैं, लेकिन पिछले कोरोना जब शुरू हुआ उससे 5 माह पहले उनकी जॉब छूट गई, और पूरा साल कोरोना का 5 माह पहले तकरीबन वो 1.5-2 साल से जो है ना वो फ्री हैं लाहौर से। इलाज से पहले काफ़ी हम परेशान थे बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब जब हमें डॉक्टर्स ने सितंबर में टाइम दिया कि आप इसका ऑपरेट करवाएँ तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं था। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, और इन्होंने बहुत ज़्यादा, हमारी सोच भी नहीं थी जितना इन्होंने हमारा साथ दिया, और हमारे बच्चे के ऑपरेशन में इन्होंने जितना उसका अखराजात थे ऑपरेट के हॉस्पिटल के सारे इन्होंने खुद पे किए। और शुक्र है कि यकम फरवरी 2021 में मेरे बेटे का जो है वो ऑपरेट हुआ, और खैर से कल वो अपने घर वापस चला जाएगा। सर्जरी के दौरान हम ऊपर ICU में थे, और सर्जरी जैसे ऑपरेट हुआ और ICU से जब ये शिफ्ट हुआ तो हमें उन्होंने रूम में शिफ्ट किया। खाना पीना वो हम यहीं से खाते थे और घर से ले आते थे क्योंकि घर करीब है, लेकिन यहाँ पे हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। डॉक्टर्स के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, डॉक्टर्स ने बहुत तावन किया, स्पेशली आसम खान साहब जो हैं जिनसे हमने ऑपरेट करवाया, जो सर्जन है उसके हार्ट के, जिन्होंने उसकी ओपन हार्ट सर्जरी की, बहुत अच्छी उसकी सर्जरी की। और अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरा बेटा ज़िंदगी के साथ से तंदुरुस्ती के साथ आज हमारे पास है, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के, जिन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प की। और अभी तो हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन कभी लाइफ में अगर हमें ऐसा मौका मिला तो हम, जैसे इन्होंने हमारे बच्चे के लिए इतना कुछ किया, जब भी हमें खुदा ने मौका बख्शा हम इनके पास ज़रूर जाएंगे, और इनके थ्रू अगर किसी बच्चे की हम हेल्प कर सकें तो हम ज़रूर करेंगे। मेरे पास मेरा बेटा, खुदा उसको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो सेहत याब हो, घर जाए, उम्र की दराजी पाए, और हम उसको स्कूल भेजें, पढ़ाएं लिखाएं, और वो जैसे वो ऑपरेशन से पहले इतना एक्टिव था और हर काम में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, उसी तरह वो आगे अपनी स्टडी में भी अच्छे तरह से जो है ना उसको कंटिन्यू कर सके और अच्छे तरीके से पढ़ सके। 2 माह के अंदर अंदर हमने 2.5 माह में उसकी सर्जरी करवा के अब खैर कल मैं अपने बच्चे को लेके अपने घर वापस जाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बल्कि मैं ही नहीं, मेरे शौहर भी, मेरी फैमिली, और ख़ास करके एक माँ होने के नाते कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेसिकली क्रिश्चियन हूँ और मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, और पहले भी हम दुआ में थे कि हमारे लिए खुदा कहीं ना कहीं से जो है वो कोई ना कोई ज़रिया बनाए। ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के वसीला से मेरे बेटे का सारा ऑपरेशन कामयाब किया, और मेरी तहे दिल से दुआ है कि खुदा इस फाउंडेशन को और इसमें काम करने वाले हर वर्कर को, इसमें काम करने वाले हर उस शख्स को ज़िंदगी दे, और इस फाउंडेशन के वसीला से जितने बच्चे और जितने लोग जो है वो अपने प्रॉब्लम्स के वसीला से आज़ाद होते हैं वो सब बरकत पाएँ, सबको अल्लाह ताला बहुत बहुत ब्लेस करे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।